आज हम कक्षा 8 का मासिक टेस्ट जो जुलाई माह के होने वाले हैं या जिनके भी हो गए हैं और जिनके नहीं हुए वो इन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए उन्हें ज़रूर देख लेना। ये हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में भी आएंगे और इस परीक्षा में भी आने के चांसेस हैं, तो ये मोस्ट कुछ क्वेश्चन हैं। देखेंगे, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा दिया है 101 का वर्ग का मान निकालना है। तीसरा है 400 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणन फल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यह है चौथा है एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 88225 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। चौथा है पाँचवा देखेंगे, एक कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति 64 है, उन विद्यार्थियों को प्रार्थना में इस प्रकार खड़ा किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हों जितने पंक्ति की संख्या है, तो प्रत्येक पंक्तियों में कितने विद्यार्थी खड़े होंगे ये बताना है। अगला क्वेश्चन छठवा ये दिया है कि 5 की पावर 4/8 गुणे 2 की पावर 3/2 की पावर 5 गुणे 5/2 के इनवर्स में क्या है -2 है को सरल करना है। लघुत्तरी प्रश्न में देखेंगे, यदि 1/2 की पावर x = 16 की पावर -2 हो तो x का मान निकालना है। ये देखेंगे इसके बटे वाला 1/-5 की पावर -5 / -5 की पावर 4 को सरल करना है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, यह है दिए गए चित्र में CD = 5.2 सेंटीमीटर, AD = 1.3 सेंटीमीटर, BE = 0.9 सेंटीमीटर तथा BC = 3.6 सेंटीमीटर हो तो AB तथा DE में क्या संबंध है ये बताना है। अगला क्वेश्चन दिया देखेंगे दसवा, 7 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच किसी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। इनके उत्तर सभी मैंने नीचे लिख दिए हैं, ये सभी ये लिखे हैं, इन्हें देख लेना। क्या है दिया है वर्गाकार, ये पहले का है, ये छठवां वाला है जो छठवां क्वेश्चन था, सातवां वाला है, ये आठवां वाला क्वेश्चन का था, ये नौवां का था। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन पूरे होते हैं।